दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल सेलेक्शन मेंटर में। और उम्मीद है कि इस विपरीत परिस्थिति में, जिस समय पूरे देश को, पूरे विश्व को कोविड-19 वायरस ने घेर रखा है, इसमें आप सुरक्षित होंगे और अपने घर में कैद होंगे। तो दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय कोविड-19 की वजह से पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति है, और इसी वजह से जो हमारी इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। और साथ ही साथ न सिर्फ इकॉनमी की बात अगर हम करें, बल्कि आम जनता की अगर हम बात करें, तो हर एक व्यक्ति का अपना जो इकॉनमी कंडीशन है वो कहीं ना कहीं ढगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए RBI इस विपरीत परिस्थिति में आम जनता के लिए सामने आया है, और कुछ उसके अनाउंसमेंट जो हैं वो RBI गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी के द्वारा किए गए हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट अलाउ क्या क्या चीज़ें इन्होंने, शक्तिकांत दास जी ने अनाउंस करी हैं। ज़रा इसके बारे में एक बार समझते हैं। इससे पहले कि इसकी इस इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ना शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किया है ऑलरेडी, तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ज़रूरी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों, हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9121815869। इस पर आप WhatsApp करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सेलेक्शन मेंटर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आई हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने शुक्रवार को, यानी कि 2 दिन पहले, एक अनाउंसमेंट किया था कि जो उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, MPC जिसको बोलते हैं, वो कोविड-19 के चलते इस बार उसका जो मीटिंग है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी ये मीटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन की सी स्थिति है। तो अभी ये मीटिंग सेकेंडरी कर दी गई, एक तरीके से इसका टाइम जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये मीटिंग जो थी वो 25 मार्च से 27 मार्च के बीच में होनी थी, 25 से 27 मार्च के बीच में होनी थी, जबकि अब ये 31 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में होगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। ठीक, तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें, ना सिर्फ इस मीटिंग को रिशेड्यूल किया गया है, ना सिर्फ इस मीटिंग का टाइम आगे बढ़ाया गया है, बल्कि आम जनता के लिए जो इफेक्टिव है, कह सकते हैं कि मार्केट को थोड़ा सा लिबर्टी पहुंचाने के लिए, लिबरल करने के लिए, व्यक्तियों के पास पैसे ज़्यादा पहुंच सकें, इसके लिए उन्होंने रेट कट भी किए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाने का काम करती है, और इसमें थोड़ा सा तरलता दिखाई गई है। किस प्रकार की तरलता दिखाई गई है, किस प्रकार के रेट कट्स यहाँ पर हैं, इसको ज़रा एक बार हम लोग देखते हैं। RBI की जो MPC है, उसने रेट कट के फेवर में श्री शक्तिकांत दास जी का साथ दिया है, और इन लोगों ने मिल करके 75 बेसिस पॉइंट जो है वो रेट कट किए हैं। इसके आधार पर जो हमारा रेपो रेट हुआ करता था, वो रेपो रेट 5.15 से घट करके अब प्रेजेंट टाइम में 4.4% हो गया है। कितना हो गया, 5.15% से 4.4% हो गया, 0.7 बेसिस पॉइंट से इसको रिड्यूस कर दिया गया है। दोस्तों, रेपो रेट के बारे में मैं अलग से, रेपो रेट, बैंक रेट, या जितने भी इम्पोर्टेंट रेट्स हैं उनके बारे में, RBI के जो रेट्स हैं उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बना करके आपको इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, द रिजर्व रेपो रेट हैज़ ऑल्सो बिन रिड्यूस्ड बाई 90 बेसिस पॉइंट्स टू 4%। पहले जो रिवर्स रेपो रेट हुआ करता था, जिसको हम लोग RRR कहते हैं, RRR, ये RRR जो है ये पहले 4.90 हुआ करता था, 4.90, इसको 90 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में RRR जो है वो 4% हो गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जो मुख्य रूप से ज़्यादा इफेक्टिव जो बात यहाँ पर करी गई है, बहुत सराहनीय कदम एक तरीके से विपरीत परिस्थितियों में RBI के गवर्नर और MPC कमेटी की तरफ से जो लिया गया है, वो ये है कि RBI ने अनाउंस किया है कि बैंकों से रिक्वेस्ट करी है, अनाउंसमेंट करते हुए ये रिक्वेस्ट करी है कि बैंकों को चाहिए कि 1 मार्च के बाद के जो आउटस्टैंडिंग जो लोग हैं, उनका जो बैलेंस है, EMI है, उसको रिड्यूस कर लें, या उसे कह सकते हैं कि थोड़े समय के लिए बंद कर दें, रोक दें, अगर कोई व्यक्ति नहीं दे पा रहा है। क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थिति में लोग EMI कैसे दे सकते हैं, लोगों के घर के खर्चे ही चलना मुश्किल है। ऐसे में अगर किसी ने कोई लोन लिया है, उसकी EMI आनी है, तो ये एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस के रूप में होगा। तो गवर्नर ने, RBI गवर्नर ने बैंकों से रिक्वेस्ट करी है कि उन्हें ऐसी छूट देनी चाहिए। हालांकि ये बैंक किस लोन पर, कितना और किस हिसाब से, और कौन कौन से बैंक
ऐसा काम करेंगे कि ईएमआई या लोन्स को थोड़ा सा होल्ड करेंगे, ये तो डिपेंड करेगा बैंक्स के ऊपर, ठीक है। ये डिसीजन जो है, ये फाइनेंशियल कह सकते हैं इक्विपमेंट्स का जो डिसीजन है, ये अलग अलग बैंक्स पर डिपेंड करता है। हालांकि उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि बैंकों को चाहिए कि वो 3 महीने तक, आगे आने वाले 3 महीने तक ईएमआई और लोन में होल्ड लोन को थोड़ा सा होल्ड करें और सहायता प्रदान करें आम जनता की। इसके अलावा न सिर्फ इतना ही, बल्कि सीआरआर में भी कटौती करी गई है, और सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए 4% से घटाकर इसे 3% कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 100 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर कटौती हुई है, और ये जो कटौती है ये 28 मार्च के जो फोर्टनाइट शुरू होगा, जो 15 दिन का जो पखवाड़ा शुरू होगा, वहाँ से शुरू होकर के अगले 1 साल तक ये लागू रहेगा, ऐसा आरबीआई के गवर्नर ने अनाउंस किया है। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट आरबीआई के गवर्नर की तरफ से दी जाने वाली जो सहायता थी आम जनता को, उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। जो रेट कट पॉलिसीज थी उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। ये रेट कट पॉलिसीज में सीआरआर है जैसे कि, और बैंक रेट है या रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है, इन सब चीज़ों के लिए ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हम लोग इसको अलग चैप्टर में एक दिन पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे खूब सारा शेयर करिए, लोगों तक इसे पहुंचाइए। आपका एक लाइक यहाँ पर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और अगर किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन है या कुछ आपको बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। सो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।